हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? होप करता हूँ कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, शाम के बज रहे हैं 4:30। मैं ब्लॉग अब स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आज हम सारे कोई के क्रेन मेंटेनेंस में थे, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है गाइस। तो अभी हम कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक पार्टी। तो रोहित भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सर्दी और जुकाम है। तो रोहित भाई, कैसा लग रहा है? पूछिए मत गाइस, एकदम सर्दी जुकाम से हालत बहुत खराब है, इतना काम हो जा रहा है, एकदम थकावट बहुत ज्यादा ना, बहुत ज्यादा है। आपकी आंखें भी लाल है और आंखों में पानी है पूरा, एकदम हालत खराब है, इसीलिए कोल्ड ड्रिंक पी रहा हूँ। सर्दी जुकाम पकड़ा फिर भी पी रहा हूँ। सर्दी जुकाम में भी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं? इतना तो हिम्मत है गाइस, इतना हिम्मत, इतना हिम्मत। तो सिंटू भाई का हाल है? बढ़िया बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो जल्दी जल्दी कोल्ड ड्रिंक दो, जंगल जाना है। आपका स्पेशल गिलास, मेरा स्पेशल, आपका स्पेशल है। वाह वाह गाइस, मेरा स्पेशल गिलास देखिए, ये है जुगाड़। तो हम लोगों के पास हर समय कोई भी चीज अवेलेबल होती नहीं है, तो ये है गाइस हमारा देसी जुगाड़। चीयर्स भाई, चीयर्स, एकदम चुस। तो गाइस साथ में है लेस, और एक देखिए एक पगला और आई है, नीरज। अरे पगला, हाय भाई, कैसे हो? सब अच्छे हैं और सब मस्त है। जल्दी जल्दी पियो, जंगल जाना है, लोडी राइडर के लिए। आज जंगल में मंगल करने वाले हैं। जंगल में भूल गए तो गाइस क्या करेंगे? कोई बात नहीं, हम लोग फॉलो करते हुए चलेंगे। जंगल है, बहुत घने, बहुत घना है ना, बहुत घने। तो चलो ट्राई करके देखते हैं आज। हम निकले सुबह सुबह का गुस्सा गुस्सा निकले 12 बजे में गाइस, इसमें भूल गया था। सुबह यानी सुबह गुस्सा 11 बजे निकला। तो चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं, आज हम भी ट्राई करते हैं। तो गाइस मेंटेनेंस की वजह से हम लोग अभी ड्रेस देख लीजिए, मेरा टी शर्ट और ट्राउजर में हूँ। तो अभी पहले ड्रेस चेंज कर लेते हैं कोल्ड ड्रिंक पीकर, उसके बाद चलते हैं जंगल। तो गाइस मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है और चलते हैं अब जंगल। ये जंगल बड़ा है और बहुत ही बड़ा है, मैं तो कभी गया नहीं, अब फर्स्ट टाइम जाने वाला हूँ। और मुझे लेके जाएगा रोहित और सिंटू, ये लोग दोनों एक बार गए थे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा अंदर ना जाऊँ। तो चलते हैं फटाफट से, चल रोहित भाई। तो गाइस फाइनली जंगल के अंदर इन कर चुके हैं, और सबसे आगे चल रहा है रोहित भाई, फिर उसके बाद सिंटू भाई, फिर उसके बाद पाजी भाई। तो गाइस आज हमें गाइड करने वाले हैं रोहित भाई, क्योंकि वो एक बार आ चुके हैं और मैं फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ। तो होप करता हूँ कि गाइस जल्दी से जल्दी अंदर विजिट करके घूम गए तो वापस चल जाएं। तो गाइस हमें इन करते साथ ये मिला फल, बेल है बेल, तो काफ़ी सारे फले हुए हैं, अभी कच्चे हैं, पूरा बेल का बगीचा टाइप का लग रहा है गाइस, बहुत सारे हैं, उधर भी लगे हुए हैं। तो गाइस आप देख सकते हो वो पता एक पिलर टाइप का है ईंटों का, वो क्या है मुझे पता नहीं, ये भाई बता रहे कि वो पहले एक टाइम पे एक घर था, तो उसकी दीवार वगैरह देखिए गाइस सब टूटी हुई है। तो भाई बोल रहे हैं कि इस साइड नहीं जाएंगे, ये सही नहीं है, तो हमें इस साइड जाना है, तो हम इस साइड की ओर चलते हैं। तो चलिए रोहित भाई। तो गाइस आप देख सकते हो ये पीछे क्या है,
मुझे एकदम नहीं पता जंगलों के बीच में है ये। तो रोहित भाई और चिंटू भाई ये क्या है? थोड़ा जोर से बोलो भाई, क्या है बताओ यार इसके बारे में। यार इसके बारे में भाई हमको भी पूरी जानकारी नहीं है, लोग बताते हैं ये बहुत प्राचीन काल से बना हुआ है, बहुत पुराना, खाली ईंटों पे ये खड़ा है, खाली ईंटों के ऊपर खड़ा है। ये है क्या चीज जो भी जंगलों के बीच? एक है दो था, एक टूट गया इधर भी, उसके कुछ पार्ट्स वगैरह हैं, ये भी टूटा हुआ लग रहा है। ये है क्या? मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा, एकदम है क्या ये चीज़? तो चढ़ के देखना पड़ेगा भाई। चढ़ोगे भी कैसे? चढ़ने की कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ, कोई स्तंभ बना हुआ है। भगवान कौन से जमाने का है और है क्या चीज़, इसके बारे में एकदम मालूम नहीं हमें। तो भाई कोशिश करो कि उसके सामने ना जाए, वो क्या है नहीं है हमें जानकारी नहीं है, तो उससे दूरी रहो। तो गाइस ये कौन सा फल है मुझे पता नहीं, ये जंगलों के बीच में मुझे मिला है, आप देख सकते हो, इसे क्या फल बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है। हाँ तो सेंटू भाई अंदर तुम्हें क्या दिखाई दिया? पाजी अंदर सांप जाते हुए दिखाई दिया और मैंने बहुत चिल्लाया और हम सब लोग जंगल के बाहर भाग गए, क्योंकि गाइस अभी अंधेरा होने वाला था और भी सांप निकल सकते थे, इसीलिए हम लोगों ने अच्छा समझा कि बाहर निकल जाए जंगल से। तो भाई इतनी जोर चिल्लाओगे यार, मैं गिर गया वहाँ पे। पाजी ऐसे ही वो हमारी तरफ भागते हुए आ रहा था, इसके लिए मैंने बहुत तेजी से चिल्लाया। अरे मेरे तो एकदम कलेजा बाहर आ गया था कि वैसे मेरे को सांप से बहुत ज़्यादा डर लगता है। पाजी बहुत भयंकर और काला सांप था। तो ये तो मेरा मोटा भाई तो वैसे ही दौड़ नहीं पा रहा है। अरे भाई मैं तो मोटा होकर पस्त हो गया। तो मैं कौन सा यार पतला, मेरा ही पेट बाहर हो गया, मैं भी भाग नहीं पा रहा था, उसी चक्कर में मैं गिर गया। इसमें तो खुद गिर गया, उसी चक्कर में तो मैं गिरा हूँ। और अच्छा मेरा फोन नहीं टूटा, फोन टूटता तो आज मुझे मेरी मम्मी तोड़ देती। तो गाइस हम लोग आज ऐसे ही अंदर गए थे, कुछ दूर ही गए थे तो सेंटू भाई को सांप दिखाई दिया, इसी के लिए हम लोग चिल्ला दिया ये, तो हम लोग वहाँ से निकले हैं। तो अंदर अब और नहीं जाना गाइस, और नहीं जाना, अब डर लग गया मुझे। तो अभी अपने चलते हैं यार्ड, और यार्ड पे रवि भाई आ चुके हैं, तो रवि भाई से थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। और रवि भैया क्या हाल है? और बढ़िया गगन भाई, जंगल में गए थे, क्या हुआ आपका? अरे यार जंगल जैसे घुसे सिंटू चिल्ला दिया कि पीछे सांप है, भागे हैं, भागते भागते गिर भी गए हैं। अच्छा खटा नहीं ना किसी को? नहीं देखा, हम देखा ही नहीं, वो चिल्लाया हम भागा, हमको ऐसे ही डर लगता है उससे। अच्छा अच्छा तो आप कहाँ से आ रहे अभी? मैं अभी आ रहा हूँ सरायकेला से। सरायकेला से क्या करने गए थे? बिलिंग कुछ काम था। ओ यानी बिल वगैरह कुछ काम था। हाँ। तो हो गया कंप्लीट? हो गया। तो अभी यहाँ से कहाँ जाना, घर जाना है? अभी रूम जाएंगे। तो बस अब हम लोग भी रूम निकलने वाले हैं, सबको मेंटेनेंस वगैरह कंप्लीट कर दिए हैं। ओके। तो जंगल हम लोग गए थे थोड़ा एंजॉय करने के लिए, तो एंजॉय क्या करना, फट के चार हो गई डर से। हाय गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ कमेंट भी करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो गाइस? तो गाइस बेल आइकन पे सिंटू को फेंको या नीरज को, दब जाना चाहिए। तो गाइस मैं घर पहुंच चुका हूं, मम्मी घर पे नहीं है, मम्मी चाची घर आई हुई है। यानी मैं जब भी ड्यूटी से आऊँगा ना, ये दोनों घर से गायबे मिलती है, जब भी घर आऊँ ये दोनों कभी घर पे नहीं मिलेगी। अभी चाची के घर पे आए हैं, क्यों टाइम तो नहीं पता ही तेनों कि मैं आना? मैं पता है तो पुट्ठी बोले बोला ना ताई दूसरा की बोला नहीं ही मिले ताई कुमार। और गाइस मोटू को देखिए, इसे भी, ये भी मेरे साथ आया है। हाँ। और पूरा देखिए उसका चेहरा देखिए कैसे काला हो गया, काला हो गया पूरा। हाँ। सुबह से धूप में थे, दाढ़ी पूरा बड़ा बड़ा हो गया और काला लग रहा है। बाबा जी बने हुए हैं, पानी पी रहे कैसे ठंडा ठंडा, और हमें मना करेगी पीने के लिए और खुद पी रही है। देख गाइस पूरा एंजॉय कर रहे हैं दोनों, हम लोग का ड्यूटी भेज देते हैं, खुद घूमते रहते हैं दिन भर। तो गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे ये ट्री बहुत ही अच्छा, बहुत ही कलर प्यारा है, हालांकि मेरे हाइट पे है ये, पर कलर बहुत प्यारा लग रहा है गाइस, येलो कलर खट्टा येलो है, यानी लेमन कलर का ये। तो गाइस अभी चाची के घर से नाश्ता वगैरह करते हैं और निकलते हैं घर, पूछते हैं इसे कि कब से आइए, मुझे कॉल भी नहीं किया ना मम्मी ने किया ना इसने किया, कितने बजे आई थी यहाँ? एक घंटा हो गया। तो गाइस
एक घंटे से ये यहाँ है और मम्मी फोन नहीं किया एक बार भी आज कि हम चाची घर जा रहे हैं। दो घंटे से क्या है गाइस, दो घंटे से समझ सकते हो हम ड्यूटी पे मेहनत करते हैं, ये लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पूरी घूमने में यानी पूरी मेहनत है इनकी। तभी यानी घर जाएंगे ना बोलेंगे ना ये कर दो हट, दिन भर गली बाहर घूमते रहते हैं, हम लोग घर पे काम करते रहते हैं और डांटेगी। समझ रहे हो ना कहने का मतलब, समझ जाओ आप कि यानी हम लोग बाहर जाके घूमते ड्यूटी पे काम नहीं करते हैं, ये लोग काम करते हैं घर पे। फाकीबाज है फाकीबाज। क्या खाला जो सब्जी दे दे, क्योंकि बकरी है कि कुत्ता कोई तो नहीं, मैगी नहीं सी ना, मैगी नहीं कर दी, मैगी होन भी नहीं कर दी है, होन भी नहीं कर दी वो कर दी वो बढ़िया। तो गाइस देखो ये दोनों घर से बाहर घूम रही है कैसे, तो गाइस देख सकते हो बहुत बदमाशी की है जब मम्मी घर पे नहीं थी, इसने तो बहुत ज़्यादा की है। उस गमले में से ना पूरी मिट्टी निकाल दी है इस, ये दोनों ने, ये दोनों कभी मारे या ना मारे मर। तो गाइस मैं फाइनली घर पहुंच चुका हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है, पूरे शरीर पसीने पसीने हो गया है, जाते हैं फटाफट से नहा लेते हैं।